नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 इसका दूसरा भाग हम करने जा रहे हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। मान लो प्रथम कोण, पहला कोण बराबर x डिग्री और दूसरा कोण बराबर y डिग्री। अब प्रश्न के अनुसार पहला जो हमें समीकरण बनेगा वो यहाँ से बनेगा। देखिए, ये है दो संपूरक कोण। संपूरक कोण कौन से होते हैं? जिनका सम 180 डिग्री होता है, जिनका जोड़ 180 डिग्री होता है। इसका मतलब जो पहली समीकरण आएगी वो आएगी, ये यदि संपूरक कोण है, x और y संपूरक कोण है, तो इन दोनों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। तो ये हमारी पहली समीकरण बन गई। दूसरा देखो, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो मान लो हम मान लेते हैं कि x बड़ा कोण है, तो बड़े कोण में से छोटा कोण माइनस कर देंगे तो 18 डिग्री आएगा, क्योंकि बड़ा छोटे से 18 डिग्री अधिक है। तो ये हमारे पास दो समीकरणें बन गई हैं। तो इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण एक और इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण दो। जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते रहे वैसे इसमें भी हम क्या करेंगे, किसी एक को तोड़ेंगे। तो मैं इस इक्वेशन को तोड़ करता हूँ। एक्स बराबर 180 डिग्री, वाई यहाँ पे प्लस हो रहा उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 3। अब एक को तोड़ के ये बना, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे। हम हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट यही कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि में। तो प्रश्न इक्वेशन नंबर 2 है x माइनस वाई बराबर 18। इसमें x की जगह अब ये आ जाएगा 180 माइनस वाई, 180 डिग्री माइनस वाई, ये तो आया है x की जगह। अब आगे है माइनस वाई, ये समझ रहे हो बच्चों, यहाँ 2 माइनस वाई क्यों है? ये है 180 माइनस वाई, ये है x की वैल्यू। तो समीकरण सब भूल जाओ, ये देखनी आपने सिर्फ x माइनस वाई बराबर 18, ठीक है। तो देखो x की जगह लिखा ये 180 माइनस वाई, 180 माइनस वाई ये वाला, उसके बाद है माइनस वाई, तो माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, बराबर 18 डिग्री। अब हम इसे हल करेंगे। 180 यहाँ प्लस का है, बराबर से उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ बच गया माइनस वाई, माइनस वाई ये बराबर होता है माइनस टू वाई के। अगले स्टेप में माइनस टू वाई बराबर है प्लस माइनस माइनस, 180 में से 18 निकाले 162 डिग्री, साइन बड़ी रकम का माइनस। अगले स्टेप में माइनस 162 डिग्री बटा माइनस दो, दो माइनस दो इधर वाई के साथ गुना हो रहा है उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, माइनस ए माइनस कट गया, दो के पहाड़े में 162 कटेगा 81 पे। इसका मतलब यह है वाई हमारे पास कितना आ गया, 81 डिग्री आ गया। वाई हमारे पास कितना आ गया, 81 डिग्री आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस वाई की वैल्यू को इक्वेशन 3 में डालेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 3। यहां भी हमें लिखना था पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2, ये हमें लिखना था यहां पे। तो अब पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 है ये, x बराबर 180 डिग्री माइनस वाई, तो x बराबर 180 डिग्री माइनस वाई, वाई की जगह जो वाई की वैल्यू है वो है 81 डिग्री। तो x बराबर 180 में से 80 निकाल दो तो बचा 100 और एक और निकाल दो तो बचा 99। इसका मतलब ये है कि 180 में से 81 माइनस किया तो 99, याद रहेगा बच्चों। 180 में से 81 माइनस करना था, पहले मैंने 80 माइनस कर दिया, तो 180 में से 80 माइनस किया 100, एक रह गया था, एक और माइनस कर दिया, 100 में से एक माइनस किया 99। तो ये थोड़ी जल्दी करने का तरीका होता है, ट्रिक होता है।
तो एक्स आ गया 99 डिग्री और वाई आ गया 81 डिग्री। हमें क्या पूछना था, हमें बताना था दोनों कोण ज्ञात करने थे। तो अब मैं यहां लिखूंगा प्रथम कोण बराबर है एक्स के 1 डिग्री और एक्स किसके बराबर है 99 डिग्री के। और इसी प्रकार से दूसरा कोण है, देखिए दूसरा कोण बराबर वाई डिग्री और वाई किसके बराबर है 81 डिग्री के। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जब आप लाइक करते हैं बच्चों तो हमें और हौसला मिलता है और मेहनत के साथ वीडियोस को बनाने का। धन्यवाद।